की का बार है उसे दिख भी नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से पर अभी वेट कर रहा हूँ उसे लगता है हमें दिख जाता है क्यों एन टाइम सवाल जवाब शुरू करने से पहले हमारे कार्तिक भाई ने बोला है राम राम जय श्री राम अब शुरू करते हैं क्यों ने। सबसे पहले लकी ने मुझसे पूछा कि की हुई आइडल पार्टनर कोई ऐसी जो समझे कि मैं कितना हार्ड वर्क डाल रहा डालू अपने काम के अंदर कि मैं कितनी देर बैठ रहता हूँ काम करने के लिए अगर मेहनत होगी वो तो मैं वो समझे की मैं उसके लिए हमारे लिए कितना कुछ एफर्ट डाल रहा हूँ ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके सो कोई ऐसा जो अच्छी तरीके से समझ पाए मैं लेटर वो इंसान नहीं जो दो दिन का प्यार करे फिर तीन दिन भूल जाए उस इंसान को एक बार करो उसी के साथ रहो मर जाओ बात। दूसरा सवाल मेरी एक दोस्त का जिसका नाम है श्रेया उसने बोला हंड्रेड के के बोला थैंक यू सो मच श्रेया और so, उसके मामला पड़े कुछ हद हाँ तक मुझे उससे काफी हाई एक्सपेक्टेशन है तरह काफी अच्छे एनिमेशन लेके आने वाले मार्केट के अंदर वो अगला सवाल रोहन कि आप अभी जॉब कर रहे हो जॉब छोड़ दी वो रहा मेरा ऑफिस है लैपटॉप खुला पड़ा है काम ही कर रहा था वो साथ में नेक्स्ट <laughs> क्वेश्चन मेरे फ्यूचर गोल्स मेरे फ्यूचर गोल्स दो हैं पहला सरवाइव करना और दूसरा तुम लोग हमेशा हंसाते रहना सरवाइव से मेरा मतलब ये था कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खास नहीं रहती ऑल द टाइम बट मैं अच्छा कंटेंट दे बच्चा का मेरी तबियत काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो हाथ थोड़ा उसका भी देखना पड़ेगा मुझे <laughs> <laughs> अगला सवाल है एरन येगर का वो मुझे बोल रहा है डू यू लव योर सेल्फ सेल्फ बट आई डोंट केयर अबाउट माइ सेल्फ जिस स्टेज में अभी हूँ मुझे इससे भी ऊपर और जाना है और मुझे पता है इससे ऊपर जाने के लिए मुझे और हार्डवर्क करना पड़ेगा सो so, और उसके लिए मुझे अपनी कंफर्ट जो में तो दो साल के. अगला सवाल प्रथमेश हमसे पूछते हैं कि क्या आप बेंगलुरु या कर्नाटका कभी आए हो लव फ्रॉम कर्नाटका लव यू टू होमी और मैं यहाँ पे कभी आया नहीं बट मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे रहते थे, थे उन्होंने बताया कितनी सुंदर जगह है सो आ गए मेरा प्लान बनता है नीचे आने का मतलब साउथ के इंडिया में डिस्कवर करने का घूमने का इंडिया के अंदर आई आय बी मैं बता दूंगा लोग मिल भी पाए मैं मिल भी पाए। मैं मिल रहा तुम लोगों से मैं कैजुअली खेल था वो भी बहुत पहले अब छोड़ दिया पर हाँ मेरे पापा जी प्रोफेशनली खेलते हैं ट्रॉफी देख रहे थे सारी सारी उनकी है अगर मेरा बैटी अच्छा खासा ग्रो कर गया तो क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा उसका जवाब है हाँ अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर के अंदर शायद से तुम देखो व्यू को है। एक सवाल तुम्हें तो बहुत लोगों ने पूछा है कि पेरेंट्स या भाई फेस रिवील क्यों नहीं करते हो देखो प्राइवेसी मैं वीडियो के अंदर आ मुझे हूं कि यार देखो, मैं बात होती है अगर कोई आपको बाहर जो मेरे को जानता या कोई मेरा अगर दुश्मन मिल गया तो आपको डेंजर हो सकता है और मेरे को दुश्मन तो नहीं है मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे काफी प्यार से ट्रीट जाता है मुझे काफी अच्छी फैमिली मिली हुई है काफी स्वीट फैमिली पर सिर्फ मुझे पता कुछ लोग हैं जो चाहते हैं पर कर लो कोशिश कोई दिक्कत नहीं तुम एक दो हो मेरे पास हजार की फैमिली है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ओपिनियन सिद्धू मूसेवाला को लेके दो चीजें आर आई पी लेजेंड और दूसरा जस्टिस अब तक नहीं मिली हमको फेवरेट डू नारूडो और कोरामा प्रिया कोई नोएडा आओ मिलेंगे प्रिया मैं तेरे दिल्ली लेके आऊंगा और यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि नोएडा नहीं आने वाला मेरा आईफोन फिर चोर नहीं जो लोग उसे रिसेंटली जुड़े तुम लोगों को नहीं पता होगा पिछले साल मेरे बर्थडे के दिन मेरा आईफोन जो मेरे पहले आया था लाइफ के अंदर वो मेरे हाथ से चोरी हो गया था बाइक अगला सवाल तेरा नाम क्या है रे मेरा नाम है द गोड चैड व्यू अगला सवाल ऐसा कौन सा कैरेक्टर जो मेरे को शूट करता है और बिल्कुल मेरे जैसा ही हो आई कैन से कोई ऐसा कैरेक्टर जो हार्ड वर्क काफी करता हो टैलेंट हो मेरा ना थोड़ा बहुत आया तुम लोग काफी बोलते हो कि मैं स्वीप लेता हूँ टैलेंट होगा पर हार्ड वर्क बहुत ज्यादा होगा जो हार्ड वर्क बहुत करता हो जोरो रोकली माइट गाय ऐसे लोगों में से कोई मेरी उम्र मैं बाईस साल का हूँ मेरा फेवरेट डाकिया एनमे परफेक्ट ब्लू एनमी मूवी है बहुत बड़े देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सम वर्ड्स ऑन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्ट एव एवर सीन अगर तुमको डेथ नोट पसंद आया तो उन्होंने उस एनिमे का भी बाप लेवल का एनिमे है कोड ग्यास जाके देखो तुम्हें बहुत पसंद आएगा उसका मेन प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भाई रिशु।, रिशु बोलता है कोई जंक फूड कोई शुगर नहीं तीन महीने से साइज़ करिए वेट लॉस दिखा है थोड़ा रिजल्ट दिखा है मेरे को हॉस्टल में रह पर अब रिजल्स नहीं दिख रहे हैं सो so, इसका मैं सोल्यून तेरह बताता हूँ अब तक मैं भी रिजल्ट इसलिए ना दिख रहा हूँ जितने तूने कैलरीज कट कर करी है वो शायद तेरी अब मेंटेनेंस बन गई हो अब तेरे को अब अब तेरे थो थोड़ी और कट करनी पड़ी तो तेरे तो तो रिजल्ट और दिखेगा जो तो कार्डियो कर दे और शुरू थोड़ी रनिंग कर ले और शुरू थोड़ा खाना और कम कर दे पर अच्छा जो खाना है उसे कम मत करे ठीक है हाँ आई नो हॉस्टल के अंदर इतना अच्छा खाना नहीं मिलता तो रनिंग वगैरह बढ़ा दे नेक्स्ट क्वेश्चन आर यू फाइन अपने काम करना है ठीक है लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करना है, भी नहीं। रखनी है अपने पेरेंट्स दोस्त अपने से छोटो की अपने से बड़ों सब की सबकी रखनी है पर अपने ऊपर काम करना है गलत जो में ध्यान नहीं रखना है ये सब करो खुद पे काम करो तुम खुद चैट बन जाओगे इंडिया और भारी कंट्री से मोम करूँ मेरी वीडियो में आओगे आप अच्छा मेरे से कोलैब करना है मुझे ईमेल भेज दियो मैं देख लूँगी

और दो बज के तीस मिनट पर मेरा फोन चोरी हो गया था आईफोन तो मैं उस दिन बहुत मैं क्या बोलू यार और उस दिन मेरा बर्थडे भी था और मेरी पहले यूट्यूब की इनकम आई थी पंद्रह हजार रुपए so, पंद्रह हजार आए और एक लाख का जो फोन लिया था वो चला गया टोकर टोगो पे वीडियो आएगी सीजन टू पे नहीं बना पाया पर सीजन थ्री पे काफी अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं मेरी मंथली यूट्यूब की इनकम तो मैं तुम एक आइडिया दे देता हूँ मेरे एक मंथ में जितने भी व्यूज आते हैं ना उसको डिवाइड कर दो फोर या फिर फोर से जितना भी आंसर आएगा उतना डॉलर मेरी एक मंथ की यूट्यूब की अर्निंग होती है ये तो मेरा सेकंड चैनल को ले करना ठीक है मेन को लेके नहीं क्योंकि मेन के अंदर व्यूज मेनली शॉर्ट से बहुत आते हैं और शॉर्ट से कुछ पैसे नहीं आता है। मेरे फ्यूचर पैसे रिलेटेड टू एमए मैं चाहता हूँ कि मैं और एनमे को भी कवर करूं जैसे कि वन पीस ब्लैक क्लोवर इनकी भी ऑडियंस काफी बने इंडिया के अंदर ताकि मैं इनके बारे में बात कर पाऊ अभी इतना नहीं है पर मैं चाहता हूँ फ्यूचर के अंदर इनको भी कवर करू मैं आयू शायद पूछने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स कैसा फील करते हैं मेरी अर्निंग को लेकर क्या वो खुश है नहीं है सो कैसा फील करता हूँ कि मैं जितना कमा लेता हूँ उससे यूट्यूब से या जॉब दोनों मिला के मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ बेटे पर बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो इतने आगे पहुंचा Uh -huh. not trash? क्योंकि वो है Hinata ने बचपन से नारूटो नारूटो को बचाने के लिए कूद गई थी पेन, जो नहीं मार था. पता था, चांस नहीं है सिर्फ कूद थी वो इसलिए बेस्ट वाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन टू डी गर्ल्स या थ्री डी गर्ल्स देखो टू डी गर्ल्स जिंदा होगी बाहर तो आने नहीं वाली और थ्री डी गर्ल को तुमने तुम्हारा पैसा चाहिए तो अपना काम करो नाम कमाओ दैट्स इट हाँ कुछ हो गए ही नाता जी तरह लॉयल मुझे नहीं मालूम पर मुझे इतना मालूम है कि मुझे काम करना ताकि मैं ऐसे और अवार्ड जीत सकूं टोटली लेने से कोई भी दिक्कत नहीं होती पर हाँ वाटर कंजम्पशन थोड़ी बढ़ा देना मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है दिल्ली में कहा रहते हो बॉस चैट मैं रहता हूँ वेस्ट दिल्ली के अंदर ब्लू लाइन सास क्या मेरे लिए हिना था के लिए बहुत मेरे पीसी की पूरी कॉस्ट जो कि आई है वन लैक एट्टी थ्री थाउजेंड का अराउंड और मेरा क्या रिएक्शन था मेरे सही चैनल पे हंड्रेड हिट हुए आई वॉज सो हैप्पी मैंने व्लॉग है दिखाया मेरे एक्ट रिएक्शन बहुत खुश हुआ की भाई फाइनली हो गए के अंदर उखाड़ा उखाड़ा जो है प्राउड ऑफ सेल्फ और तुम लोग बिना था so, so much, के लिए क्या कहने आई नो मेरे को काफी लोग देते हैं आसपास पास नेवरी कंट्री से पाकिस्तान नेपाल भूटान जो भी आसपास नेवरी कंट्रीज है कुछ अफगानिस्तान से भी उन सब के लिए एक ही चीज है थैंक यू सो मच जब भी मैं कमेंट्स खोलता हूँ मैं चीज बहुत देखता हूँ कि लव फ्रॉम पाकिस्तान लव फ्रॉम बांग्लादेश लव फ्रॉम नेपाल यहाँ पे आओ वहाँ पे आओ मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के तो मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ तुम हो तुम ने तुम यहाँ से कुछ नहीं मिले सारे मेरे हैं एंड आई लव यू ऑल अगला सवाल भाभी वो रही नेक्स्ट क्वेश्चन सुना दे टाटू वन एक्सैक्टली exactly सुनाते नहीं बनवाने वाला मैं फ्यूचर में कभी बनवाऊंगा पर अभी मेरे दिमाग में तीन ऑप्शन हैारूडो और इन तीनों से किसी का और बहुत जल्दी हर्ष पूछता ऐसा कौन सा मेरे को चेंज कर रहा है ऐसे तीन एक नोडो एक वन पीस और तीसरा वेगा बॉन्ड नारूडो ने मुझे सिखाया कि दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट भी क्यों ना हो जाए तुम्हें नहीं रुकना है चाहे कुछ भी हो डू नॉट स्टॉप वन पीस से एक से मैंने कहा कि रिग्रेट तो कभी मत करो लाइफ के अंदर टाइम वेस्ट मत करो जो पास में हो चुका है उसे रहने दो उसे सीख लो आगे बढ़ जाओ दैट्स ऑल वॉट मैटर और वेगा बॉन्ड जो उसका एन में नहीं है उसकी मांगा है पर उसी मांगा से मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ लेसन सीखे मैंने उससे oh, मम्मी शादी अब कराओगे मेरी तेरे पास सोने का टाइम है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 12 के अंदर मेरे मार्क्स 10th में मेरे आए थे 76% 12th में मेरे आए थे 63%. बट डजेंट मैटरप्पी शुभ क्यों पसंद है अभी थे, उनके देखे, हम लोगों ने काफी मजा देखे so बताऊँ मैं ड्रॉ माई लाइफ होती है जो पहले अब नहीं करते ये मैं ब्लॉग चैनल के ऊपर कुछ टाइम के अंदर मैं शुरू से लेके अब तक अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा पूरी पूरी तो ये डिफरेंट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं बॉडी प्रोसेस होता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है वो साइड में पढ़ी रहा झूठ

चिना मत करो बनाता रहूंगा मैं तो एक चीज इसे बहुत स्टूडेंट सफर करते हैं वो है नॉट गेटिंग इनफ मोटिवेशन टू स्टडी देखो मैं तुम्हें साफ बताता आधे घंटे के लिए पढ़ो एक टॉपिक कवर करो और खुद को रिवॉर्ड देना शुरू करो कि मैं लूंगा तो अप्रोसी मैं एक देखो उपर, वीडियो यूट्यूब के ऊपर फिर चैट के देख लूंगा वीडियो या फिर मैं कुछ खा लूंगा उसके बाद फिर पढ़ूंगा अगर तुम तो तुमने आपको रिवॉर्ड दोगे ना तुम सोचोगे भाई अगर मैंने कर दिया मुझे वो मिलेगा यार तो कर देता हूँ ना तुम्हारे माइंड में एक चीज बैठ जाएगी ऐसी यही चीज है की मैंने अप्रोक्सीमेटली सात आठ महीने कॉन्टिन्यूसली रोज शॉर्ट अपलोड करें ये सोच के अगर मैं करूंगा तो लोगों को पसंद आएंगे लोग हंसेंगे मैं और ग्रो कर पाऊंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा रिवॉर्ड दो खुद को मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम कर रहा हूँ और तुम्हें नेक्स्ट वीक देखने में मिल जाएगी वो अगले जिम बलॉक की वीडियो बहुत जल्दी अप्रैल में कंटेंट चेंज मार्च मार्च में क्यों नहीं हो कि मार्च में ये सब नहीं था आई चेंट है मैं कितना टाइम देता हूँ वो है जितना उसको होती है मेरी मीटिंग होती है तो दो तीन घंटे चल जाते हैं उस वजह से कभी वीडियो डिले हो जाती है वरना जितना काम होता है मैं उतना कर देता हूं मैम दे देता हूं खत्म और अगर आगे मिलता है कुछ तो फिर वेट करता हूं वरना अपना काम पे पर लगाता हूं यूजुअली नाइन टू फाइव मैं बहुत बिजी रहता हूँ मैं ऑफिस वर्क के अंदर हूँ अपने यूट्यूब वर्क के अंदर हूँ मेरा फेवरेट आने कोई एक नहीं है वो है तीन विकास वन पीस और 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 ब्लीच और 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 इताची आज तक कितनी एक्स रह चुकी है? जीरो क्या मेरे टूथपेस्ट में सुना देगा दूध है अगर मेरे टूथपेस्ट में सुना देगा दूध होता तो मैं उसे ब्रश नहीं करता उसको मैं घोट के पी जाता वन पीस का एपिसोड रिव्यू कब करना शुरू करूंगा मैं काफी जल्दी जो मेरे आया था नहीं तो उसके बाद तो कुछ कुछ मेजर एपिसोड करूंगा रिव्यू मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में है है नहीं कुछ क्या जानोगे मैंने अपने चैनल कैसे ग्रो करा है मैं तुम्हें इस बारे में एक अलग से वीडियो के अंदर डेडिकेटेडली बताऊंगा क्या सा मैं फॉलो करता हूँ क्या सा मैं देखता हूँ वो वीडियो बनाने से पहले मैं क्या इंप्लीमेंटेशन डालता हूं उनके अंदर भैया लव यूर योर आर द बेस्ट थैंक यू यार, यार था बेस था। सो मच अक्षत लव यू टू और गुजरात कब जब भी आऊंगा बता दूंगा के जाएंगे मेरी इंस्पिरेशन कौन है मेरे पापा जी मैं क्या करूंगा अगर मेरी माँ की माँ मेरे को धोखा देगी तो कुछ नहीं करूंगा काम पे लग जाऊंगा डजेंट मैटर पढ़ाई लिखाई मैंने कितनी करी टेंथ ट्वेल्थ और मैंने बीटे करी हुई है फिर चार साल और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो so, ठीक ठाक है मेरे हिसाब से तो वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है मेरे चैनल के लिए बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट पड़ती है सेकंड चैनल के लिए इतना नहीं बस रिसर्च करनी पड़ती है और थोड़ी बात करनी पड़ती है नॉलेज काफी है लेके और थर्ड चैनल कैमरा तो हो जाओ लाइफ में कोई रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं आई डोंट लिव विद डोंग्रेट मेरा फेवरेट क्रेटर रो जरूर लिस्ट ऑफ को सब्सक्राइब करा हुआ है ऐसे ज्यादा तो नहीं है कुछ कुछ ऐसे न्यून मैन न्यूज बॉय या फिर बीच बॉय शुभ बॉय कुछ एनमे क्रिएटर ज्यादा नहीं है और लास्ट क्वेश्चन सुनकर तुम लोग बोलने वाले हो कि एक सेकेंड ये तो कभी सोचा ही नहीं वो ये है कि वट इज माई फुल नेम तुम्हें पता है मेरा नाम रियल नेम वैब है बट मेरा फुल नेम क्या है छोड़ो मिस्ट्री रहने देते हैं बाद में बताऊंगा बताऊंगी जो मेरे मेन चैनल के मेंबर्स हैं मैं उनको एक दिन मेंबर लाइव स्ट्रीम मैंने बताया गया था तुम लोग मत बताना कमेंट्स के अंदर चलो बता देता हूँ मेरा रियल नेम ने है इतने ही थे मैंने अप्रोक्सिमेटली सत्तर अस्सी क्वेश्चन उठाए नेक्स्ट टाइम और उठाऊंगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर टाटा बाय बाय सी यू और बहुत जल्दी टाइटो आने वाला है